अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बख्त और आप देख रहे हैं पीएससीए टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। वुमन सेफ्टी एप्लीकेशन की अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से शुरका का क्या कहना था, आइए उनसे जानते हैं। खवातीन के तहफ़ के लिए वुमेन सेफ्टी ऐप बना दी गई है, डिफरेंट फोर्सेस को डिपार्टमेंट्स का इश्तराक भी बना दिया गया, इंटीग्रेशन भी मौजूद है। लेकिन बात आती है अवेयरनेस की, आगाही की, इस तरह के इवेंट्स कितने मुआवन साबित हो सकते हैं इस ऐप की आगाही में, अवेयरनेस में। आई एम प्लीज टू बी हियर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टुडे टू लॉन्च द सेफ्टी ऐप फॉर वुमेन। पर मेरे ख्याल से काफ़ी औरतों ने डाउनलोड भी कर लिया, और इस तरह की अगर अवेयरनेस हम करते रहेंगे इट विल प्रोसीड क्विकर। तो ये पहला यूनिवर्सिटी नहीं, हमने पहले भी एक दो जगह पे इसको लॉन्च किया है, और मेरे ख्याल से जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ सुना है वो आगे जाके घर में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ 44,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दैट आगे से इसी तरह ये कैंपेन शुरू हो जाएगी और चलेगी इंशाल्लाह। ज़माना बदल रहा है, वुमेन सेफ्टी ऐप को बना दिया गया है ख्वातीन के तहफ़ को मेक श्योर करने के लिए, लेकिन मैडम ये बताएं कि बहसियत कौम हम पे क्या जिम्मेदारी है इसकी आगाही के हवाले से, इसको डाउनलोड करने के हवाले से, इस मैसेज को स्प्रेड करने के हवाले से। आज ये जो इवेंट है ये इसी अवेयरनेस मुहिम का एक कड़ी है, एक सिलसिला है। एक मेरी रेजोल्यूशन जो पास हुई थी उसको इम्प्लीमेंटेशन हमने अब तकरीबन 8 यूनिवर्सिटीज़ में हम कर चुके हैं, और यकीन करें हम जहां जाते हैं ना वहां पे 98% बच्चियों और बच्चियों को इस ऐप का नहीं मालूम होता। तो ये अवेयरनेस से ये अब एम्बेसडर बन गए। इन्होंने आज हॉल में तकरीबन 300-400 बच्चे थे, उन सारों ने ये ऐप डाउनलोड उसी वक्त कर ली है। अब ये एक वॉल है जहाँ पे जो बाकी बच्चे होंगे वो भी इसको देखेंगे, इसके साथ इंगेज होंगे। तो ये हमारी जो बच्चियाँ अब यहाँ पे इनके 40,000 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता सब में ये अवेयरनेस जाएगी। और क्योंकि देखें स्मार्टफोन आजकल सबके पास होता है, और हम चाहते हैं बच्चियाँ महफूज फील करें जब अपनी पढ़ाई के लिए निकलें या अपनी जॉब्स के लिए निकलें, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ कि जी कोई हमें ना छेड़ सकता है ना तंग कर सकता है, क्योंकि एक स्टेट ने और एक हुकूमत ने हमारे लिए एक प्रोटेक्शन के का हम जरिया बनाया हुआ है। तो यही वो अवेयरनेस है जिससे ये बच्चियाँ हमारी जो हैं वो एक नए जज्बे और एक फीलिंग सेफ एंड प्रोटेक्टेड ये अब निकलेंगी। अब खवातीन का तहफ़ पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की वुमेन सेफ्टी ऐप की वजह से सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, क्या समझती हैं इस एप्लीकेशन से वुमेन एम्पावरमेंट के जो एक कॉन्सेप्ट है उसको कितनी तकवीत मिली है? मैं समझती हूँ मैं इस एप्लीकेशन को जितना अप्रिशिएट करूँ काम है। आजकल जो दौर है वो नया डिजिटल है, आपके हाथ में एक ही मोबाइल है, उसमें दुनिया सिमटी हुई है। आज आपने उसकी जहाँ जितने वाकयात हुए, आज हमने अपनी बच्चियों को अगर इम्पावर करना है तो सबसे पहला स्टेप उनकी सेफ्टी है। मैं अपनी सेफ सिटी की पूरी टीम को, अपनी पुलिस को इस चीज़ पर सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये वक्त की ना सिर्फ अहम ज़रूरत थी बल्कि ये बहुत ही मुफीद है। और मेरी ये दरख्वास्त है कि जो ये कैंपेन हम चला रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और हम इनको रूरल एरिया में भी लेके जाएँ और अपनी बच्चियों को ये ट्रेनिंग भी दें कि हमने इसको कैसे, और मैं समझती हूँ जो सेफ सिटी इस टाइम काम कर रही है वो किसी भी इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है, उसको बिल्कुल मीट कर रही है। और दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, और बस हमें इसको एम्बेसडर बन के जगह जगह फैलाना है।